अच्छा जी, आगे है चैप्टर नंबर 11 का पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके ग्राफ जानने से पहले सबसे मेन चीज़ है उनकी डोमेन और रेंज का पता होना। डोमेन मतलब एंगल की वैल्यूज, और रेंज उस एंगल के अगेंस्ट मैक्सिमम और मिनिमम क्या वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। साइन और कोस जो फंक्शन है, इसमें डोमेन वाली जो वैल्यूज है यानी एंगल की जो वैल्यूज है, तमाम रियल नंबर आप पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा डिफाइन रहेगा, यानी किसी भी जगह पे जाके अनडिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। ठीक है जी, इसका मतलब साइन एक्स और कोस एक्स की जो एंगल की वैल्यूज हैं या डोमेन की वैल्यूज हैं, वो तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं। इसको हमने लिखा हुआ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितनी वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज को ले सकते हैं। अब साइन अपना आउटपुट का रिजल्ट क्या देता है, आउटपुट का मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो प्लस वन देता है, और मिनिमम रिजल्ट क्या देता है, माइनस वन। तो यही उसकी क्या रेंज है कि माइनस वन से प्लस वन तक। ठीक है जी, कोस की भी मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है। ये साइन 90 पे देता है, और इसको हम कह सकते हैं साइन माइनस 90 पे। और इसी तरह जो कोस के केस में है, ये कोस 0 पर और कोस 180 पर जो है माइनस वन वैल्यू देता है। अब टेंजेंट जो है, टेंजेंट की डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम नंबर शामिल है, लेकिन वो नंबर्स जो पाई बाई टू के ओड मल्टीपल्स हैं, पाई बाई टू और उसके ओड मल्टीपल्स जो हैं वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। क्यों? जैसे देखें, एन एक इंटीजर को शो कर रहा है, फर्ज कर लें एन की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, टू इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन ओवर टू। अगर पाई ओवर टू की हम बात करते हैं तो टेंजेंट पाई ओवर टू या टेंजेंट 90 जो है वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी, इसी तरह अगर मैं एन की वैल्यू वन पुट करूँ, टू वन जार टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री ओवर टू पाई, तो टेंजेंट 270 भी क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। इसलिए ये इसकी डोमेन में से इतना पोर्शन हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, और रेंज इसकी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज इसकी रेंज में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, कोटेंजेंट की बात करते हैं, कोटेंजेंट में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज हैं, लेकिन कोटेंजेंट जो है एक्स एक्सिस पे जो है अनडिफाइंड हो जाता है, यानी उसने लिखा हुआ एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई, पाई के जो मल्टीपल्स हैं, पाई के मल्टीपल्स क्या होते हैं, वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, यानी एक्स एक्सिस, उस पे जाके वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। कोटेंजेंट जीरो इन्फिनिटी होता है, कोटेंजेंट 180 इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। रेंज इसकी भी सेम वही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाली। अब जो टेंजेंट फंक्शन है, इसकी डोमेन का ताल्लुक है सीकेंट फंक्शन के साथ। जो टेंजेंट की डोमेन है सेम वही सीकेंट की डोमेन है, यानी टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री यानी y एक्सिस पर अनडिफाइंड होता है, इसी तरह सेम जो हमारी सीकेंट की वैल्यू वो भी y एक्सिस पर क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास कोस 90 जीरो होता है, कोस 90 जीरो होता है, कोस का रेसिप्रोकल नहीं, सीकेंट 90, तो जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इस वजह से हमने इसमें से इस पोर्शन को निकाल दिया। कोसिकेंट की जो डोमेन है वो सेम कोटेंजेंट जैसी है, कोटेंजेंट एक्स एक्सिस भी अनडिफाइंड था, कोसिकेंट भी एक्स एक्सिस भी अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, कोसिकेंट जीरो करेंगे तो वो वन ओवर जीरो यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। रेंज दोनों की क्या है, इसकी रेंज की रेसिप्रोकल होगी, यानी इसकी वैल्यूज वन से वन के इक्वल और वन से बड़ी हो सकती हैं, माइनस वन के इक्वल और उससे लेस वैल्यूज हो सकती हैं। इन वैल्यूज को जहन में रखते हुए हमने ग्राफिंग करनी होती है। ठीक है जी, अब ग्राफ पर जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है पीरियड का। पीरियड बेसिकली क्या होता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड कर दें या एंगल की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दें, जिसकी वजह से वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू को दोबारा रिपीट करता है, तो हम उस वैल्यू को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी। चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं साइन, कोस, सिकेंट और कोसिकेंट, इनके पीरियड यहाँ पे मेंशन है 2π, यानी हर 2π इंटरवल के बाद, 2π एंगल ऐड करने के बाद या पास आउट करने के बाद, साइन को सिकेंड और कोसिकेंड अपनी वैल्यू को दोहराते हैं। ठीक है जी, इसी तरह जो हमारा टेंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शन है उसका पीरियड होता है पाई। टेंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शन का पीरियड क्या होता है जी, पाई होता है। तो ये दो पीरियड्स बड़े इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं। इसी से रिलेटेड एक MCQs है, पीरियड ऑफ साइन 3x। जब ये MCQs में सवाल आता है तो आप सिंपल ये जो एंगल दिया होता है इसको गिवन फंक्शन के पीरियड के इक्वल पुट कर लिया करें। साइन का पीरियड क्या होता है, 2π। 3x को 2π के इक्वल पुट करें, वहां से x की वैल्यू निकाल लें, तो वो कितनी आ जाएगी, 2π/3। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह कोसिकेंट x/4 है, कोसिकेंट का
पीरियड क्या है 2π, x ओवर 4 इज इक्वल टू 2π, 4 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तर्ज पर बेशुमार MCQs बन सकते हैं, आपको ये डोमेन रेंज याद होनी चाहिए और इस तरीके से आपको पीरियड निकालने का पता होना चाहिए। अब कुछ ग्राफ्स हैं, साइन कोस टेंजेंट वगैरह के ग्राफ्स को थोड़ा सा स्टडी कर लें कि ग्राफ का बिहेवियर क्या होता है। आपको यहाँ से डोमेन रेंज पढ़ाने का मकसद ये था कि साइन और कोस का ग्राफ, साइन कोस का ग्राफ शेप में सेम होगा लेकिन जिस इनपुट पे वो मैक्सिमम था, साइन जिस इनपुट पे मैक्सिमम होगा, कोस उस इनपुट पे मिनिमम होगा, ये फर्क नजर आएगा डायग्राम में। ठीक है जी, जैसे देखें साइन जीरो पे कितना है, जीरो है, तो कोस जीरो पे कितना है, वन है, मैक्सिमम हुआ है। ठीक है जी, इसी तरह साइन 90 पे कितना था, वन था, कोस 90 पे कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये बिहेवियर, शेप ऑफ ग्राफ सेम है लेकिन उसकी नेचर ऑफ वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम पे मिनिमम है और मिनिमम पे मैक्सिमम है। ठीक है जी, ये चीज आपने याद रखनी साइन कोस के ग्राफ में। कंटिन्यूटी किसको शो कर रही है, कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है टेंजेंट एक्स। टेंजेंट जो है हमारा 90 डिग्री या वाई एक्सिस की वैल्यूज पर जाके अनडिफाइंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे ये जीरो एक्स पॉइंट, जीरो पॉइंट के लिहाज से जब टेंजेंट जीरो पे जीरो होता है, 90 पे जाके वो इनफाइनाइट होना शुरू हो जाता है। तो इधर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और माइनस 90 पर भी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका ग्राफ कंटिन्यूटीज के साथ क्यों नहीं आता, क्योंकि दरमियान वाले पोर्शन पे वो हमने रेंज में भी पढ़ा था कि वो अनडिफाइंड होना शुरू हो जाता है, यानी ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये एग्जैक्टली लाई नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वैल्यू में फ्लक्चुएशन आती हैं। इसी तर्ज पर अगर हम देखें टेंजेंट के अगेंस्ट कोटेंजेंट का जो ग्राफ है, कोटेंजेंट फंक्शन में जहाँ पे ये मैक्सिमम है वो मिनिमम हो जाता है और जहाँ पे वो मैक्सिमम है ये मिनिमम हो जाएगा। सिकेंट और कोसिकेंट के केस में, सिकेंट और कोसिकेंट के केस में अगेन आपको डोमेन रेंज से पता चल गया कि वो दरमियान में गैप शो कर रहा है, यानी वन और माइनस वन के दरमियान कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से जब हम सिकेंड या कोसिकेंड का ग्राफ बनाते हैं तो आप बुक स्टडी भी कर सकते हैं, उसमें वो पैराबोलिक शेप आती है और दरमियान में क्या नज़र आना शुरू हो जाते हैं, गैप्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे इतना ग्राफ बना, दरमियान में गैप आ गया, फिर इतना ग्राफ बना, फिर गैप आ गया, या तो वो कनकेव अप या कनकेव डाउन की शेप में होगा। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेसिकली हम दो चीज़ें मेन डिस्कस करते हैं, एक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स और दूसरा एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पहला पोर्शन राइट ट्रायंगल्स के सोल्यूशन है। राइट ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक है। पहला ही पिथागोरस थ्योरम, वो तब इस्तेमाल होता है जब दो साइड्स गिवन होंगी आपको। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला जो फार्मूला है, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कब? जब आपके पास कोई से दो एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल कोशिश यही करनी है कि इससे हम फाइंड आउट कर लें। ठीक है जी, तीसरी टेक्निक क्या है, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये टेक्निक तब इस्तेमाल होती है कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इस्तेमाल करने की ज़रूरत, क्योंकि ये एंगल भी फाइंड कर सकती है और साइड भी फाइंड आउट कर सकती है, तो इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक साइड और दो एंगल गिवन है, तो याद रख लें कि जो सेकंड साइड होगी वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस्तेमाल करके निकलेगी, अदरवाइज वो फाइंड आउट हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, इसी तरह अगर हमारे पास एक एंगल और दो साइड गिवन है तो उनमें से जो सेकेंड एंगल है वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स की तरफ। ऑब्लिक ट्रायंगल्स के सॉल्यूशन, ऑब्लिक ट्रायंगल्स होती क्या हैं, वो ट्रायंगल्स जिनमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें मुख्तलिफ किस्म के तीन केसेस हैं हमारे पास। केस नंबर वन जो है उसको अगर हम डिस्कस करें तो इसके मुताबिक हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें दो एंगल्स और एक साइड गिवन होगी। ठीक है जी, दो एंगल और एक साइड गिवन होगी, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइंस लॉ मौजूद है। ठीक है जी, जब कभी केस का नंबर याद होना काम नहीं है, केस की स्टेटमेंट और उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए कि साइंस लॉ कब इस्तेमाल होता है। साइंस लॉ है क्या, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गामा। इससे हम तीन मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन बना सकते हैं, ए और बी का रिलेशन, ए और सी का रिलेशन और बी और सी के रिलेशनशिप में तीन मुख्तलिफ तरह की इक्वेशन बन सकती हैं। साइंस लॉ इस्तेमाल कब होगा, जब हमारे पास दो एंगल और एक साइड गिवन होगी। इसी तरह केस टू, उसमें कोसाइंस लॉ की हेल्प लेते हैं। कोसाइंस लॉ कब इस्तेमाल होता है, बिल्कुल साइंस लॉ के ऑपोजिट, जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। ठीक है जी, कोसाइंस लॉ तीन मुख्तलिफ किस्म के हैं।
ए स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू बी सी कोज ऑफ अल्फा, यानी साइड ए के अगेंस्ट। इसी तरह बी जो है बी के अगेंस्ट चले तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू सी ए कोज ऑफ बीटा, एंड सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी कोज ऑफ गैमा। ठीक है जी।